मैंने तो सोचा भी था कि जाते वक्त तुझसे नहीं मिलूंगा, वो भी ना हो सका। मेरे पैर अपने आप तेरे कक्ष की ओर आ गए और तुझे देखकर मन भर बस ऐसा भर आया कि फूट फूट कर रोने की इच्छा होती है। अंदर से लज्जा भी आती है कि पराए पुत्र से इतना मुंह करने का क्या अधिकार है मुझे, परंतु दिल है कि मेरी कोई बात सुनता ही नहीं, बार बार एक ही बात कह रहा है कि काला से बिछड़ कर कैसे जियोगे लद मामा, कैसे जियोगे। हे देवी, हमारी सहायता करो। आज्ञा प्रभु। नंद बाबा के हृदय से ममता और मोह को निकालकर वहां ज्ञान के लिए थोड़ा सा स्थान बना दो, ताकि उनके मन की उद्विग्नता शांत हो जाए। जो आज्ञा प्रभु। लो, बाबा तो यहीं आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप बाबा? मैं क्या करूं काला, मैं क्या करूं? मैं बहुत रोक रहा हूं, लेकिन ये आंसू मेरे बस में नहीं है। जिस कार्य को करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, उसका क्या होगा? तो फिर ऐसी आज्ञा नहीं मानेंगे। ताऊ भैया, पिताश्री की आज्ञा को ना मानना, उसका उल्लंघन करना महापाप है। और फिर बाबा का स्थान हमारे लिए पिताश्री से कहीं ऊंचा है, वो हमारे पालनहार है दाऊ भैया, इसीलिए वो हमें पिता के रूप में प्राप्त हुए हैं। उस पर वो हमारे भक्त हैं, और हमारा तो प्रण है भक्तों के वश में रहने का। इसीलिए भावना के वेग में आकर वो कोई इज्जत कर बैठे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी दाऊ भैया। दाऊ भैया, बड़ी मुश्किल की घड़ी आ रही है। कौन सी मुश्किल की घड़ी? नन बाबा के विदाई की घड़ी। तो इसमें क्या कठिनाई है? चलो चलकर उन्हें विदा कर देते हैं। ये चलो चलकर उन्हें विदा कर देते हैं, जितनी सहजता से कहा है ना दाऊ भैया, उतना सहज नहीं है नन बाबा को विदा करना। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं भावना के वेग में आकर कोई ऐसी आज्ञा ना दे दे कि हमें उनके साथ फिर से गोकुल ना जाना पड़ जाए। ऐसा हुआ तो जिस कार्य को करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, उसका क्या होगा? तो फिर ऐसी आज्ञा नहीं मानेंगे।